गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एफेरेसिस फैसिलिटी व कैमिलियोमिनिसिस फैसिलिटी मशीन तथा कोविड 19 के लेवल 2 लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, अब मेडिकल कॉलेज में ही मिलेगी मरीजों को सारी टेस्टिंग की सुविधाएं। चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भरतपुर निवासी एक 19 वर्षीय युवती ने घर के भीतर की खुदकुशी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम को जांच में जुटी। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना के संभावित दूसरे दौर के बचाव व वैक्सीन के संबंध में की चर्चा। कहा, बरतें सतर्कता, कोरोना के संक्रमण को रोकने का करें उपाय। ज्वेलर्स को मोबाइल फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में दो शातिर युवकों को सर्विलांस टीम की मदद से खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन किया बरामद। सीओ कैंड ने किया खुलासा। थाना रामगढ़ताल और स्वास्थ्य के संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, नौसादर यूरिया और एक बोलेरो गाड़ी किया बरामद, भेजा जेल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। ट्रांसपोर्ट नगर को गीडा में शिफ्ट किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। सड़क दुर्घटना रोकने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने सोमवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय तैयारियों की समीक्षा। कहा, रोजगार मेला आयोजित कर युवाओं को उपलब्ध कराएं रोजगार। प्रदेश में 50 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाए कार्य योजना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक। अपराधियों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस ऑफिस से लेकर पुलिस लाइन तक आयोजित हुआ कार्यक्रम। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने किया ध्वजारोहण। पुलिसकर्मियों ने झंडे को दी सलामी, संकल्प को दोहराया। गोरखपुनी से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने लोगों से की अपील। कहा, सड़क पर यात्रा के दौरान बरतें संयम, यातायात नियमों का करें पालन, जिससे जिंदगी रहे सलामत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी DST इंस्पायर फेलोशिप में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में एकमात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा गणित से कुमारी अंजलि पांडे को मिला स्थान। गोरखपुर न्यूज से साझा किया अपने विचार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली बढ़ाए जाने के दिए निर्देश। समाज सेवी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू बाबू की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। वीर बहादुर सिंह PG कॉलेज हरनही महुआ राव परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लिया गया उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प। सोमवार को महानगर के अंदर पूरे दिन सोमवारी जाम से जूझते नजर आए राहगीर। रेंगती रही गाड़ियां, जाम में फंसे रहे एम्बुलेंस। जाम से निजात दिलाने का यातायात पुलिस का दावा हुआ फेल। गोरखपुर में सोमवार को मिले 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,830। अब तक 319 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 354 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी करके एक व्यक्ति को नकली देशी विदेशी शराब के ढक्कन व QR कोड के साथ किया गिरफ्तार। आबकारी निरीक्षक ने कहा, मुकदमा पंजीकृत करके की गई कार्रवाई, छापेमारी आगे भी रहेगी जारी। और तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ निबंध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। विजयी प्रतिभागियों को DM करेंगे सम्मानित।